Gracias. So, hey guys, back to से अगला तो आज की में हम लोग क्या बनाने वाले आज हम बनाने वाले ऑटोमेटिक व्हीट फार्म जिसमें मेरे को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मतलब मेरे को बस बनाने में मेहनत में करनी पड़ेगी और उसके बाद मेरे को फ्री में वीट मिलता जाएगा अनलिमिटेड तो चलो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें देख सकते हो विलेजर्स की जरूरत पड़ने वाली है तो इसमें मैंने विलेजर्स को ट्रैप कर रखा है तो गई उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो ब्लॉक्स की हाइट में तीन ब्लॉक्स कुछ इस तरीके से देन इसके डाइगनली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड ये लास्ट नाइन तो नाइन ब्लॉक्स तक आपको एक्सटेंड करना है डायग्नली टू ब्लॉक्स की हाइट तक आप समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश करूँ देन आपको एक ब्लॉक और डायग्नली आना है फिर आपको तीन ब्लॉक्स फिर से फिर से आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन तक फिर से फिर इनको चारों तरफ से कनेक्ट कर देना कुछ इसी तरीके से डाइग्नली आपको पूरा बनाते हुए तो चलो फटाफट से बनाते और कम्प्लीट करते इसको लेट्स को देन गाइज इसके बाद आपको क्या करना है आपको है ना दो होल्स करने दो नहीं मतलब चारों तरफ एक होल्स करने जहाँ से हम वोटर को फ्लो करेंगे वोटर को हम रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ग्रो करने वाले क्रॉप्स को जो कि हम फार्मर को इसके अंदर रखेंगे और वो फार्म को फिर मतलब वीट और ये सब ग्रो करेगा तो इसलिए हम ये पूरा एरिया को थोड़ा एरिया को वोटर देने के लिए पूरा देख सकते हो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ से तीन ब्लॉक्स है और वहां से चार तो मेरे को ये वाला ब्लॉक ये वाला जो होल है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा एक ब्लॉक और तो देख सकते हो ये फोर पिलर्स के बाद आ रहा है तो मेरे को इसको यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा ये यहाँ पर और इस वाले को फिलअप कर देना होगा तो देन गाइज ये हो चुके हमारे दो देन इसके दूसरे वाली साइड भी दो मतलब आपको दिखाऊंगा कि कैसे करने आपको चारों तरफ होल्स देख सकते हो इस लाइन को बिल्कुल मैच करते हुए सेम यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से देन उस वाले को भी मैच करते हुए यहाँ पर भी बना देना है उसको मैच करते हुए लेकर आते हैं क्योंकि अगर गलती से भी आगे पीछे हो गया तो मतलब आपका फार्मलैंड थोड़ा ख़राब हो सकता है आपके वीट फिर ग्रो नहीं करेंगे अच्छे से थोड़ी जगह से ग्रो करेंगे थोड़ी जगह से नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आपने स्टेप को स्किप कर दिया और अगर आपको पता ही है तो फिर आप तो स्किप कर ही सकते हो कोई भी मैटर नहीं है हमें और वैसे मैं आपको एक कहना चीज़ बताना चाहता हूँ शलकर क्राफ्ट हमारे साथ करा क्या मैंने शल्कर क्राफ्ट के वीडियो का ट्यूटोरियल देख के बनाना स्टार्ट करा लेकिन सबसे मेन जो दिक्कत आई उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जावा वर्ज़न में ही काम करता है मुझे ये मुझे ये लगा कि हर वर्ज़न में काम करता है मेरे पास अभी बीटा वर्ज़न है तो बीटा वर्जन एक अलग वर्ज़न है जिसे नहीं पता ये वैसे अभी नहीं आता अभी पॉकेट एडिशन आता है तो मेरे पास बीटा वर्जन है और बीटा वर्जन में एक फार्म काम नहीं कर रहा मेरे को थोड़े अपने भी जुगाड़ लगाने पड़े तो वो जुगाड़ मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा तो वहाँ पर जब मैं बनाना स्टार्ट करूँगा वो मैं आपको फिर मैं बता दूँगा कि मैं करूँगा क्या तो चलो फटाफट फड़ से यार उन्होंने ये क्या करा कि उनमें जो फार्मर्स को ऐसे ही बोला कि फ्लैचर को रखो तो वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे वे कर देंगे भाई ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा वो फार्मर बंदा ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा मेरा फार्मर ये स्कैम हुआ है मेरे साथ और ये शुल्कर क्राफ्ट ब्रो इतना अच्छा ट्यूटोरियल देता है कोई भी यूट्यूबर नहीं देता बस उनकी ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई वो अपनी वीडियो में बस ये नहीं बताते कि ये सिर्फ जावा वर्जन में ही काम करेगा या फिर ये बीटा में ही काम करेगा अब देखते तो भाई ट्यूटोरियल हर वर्जन वाले बंदे मतलब आप, आप शायद आप पॉकेट एडिशन खेलते होंगे तो मुझे गारंटी पता है कि आप भी ट्यूटोरियल्स देखते हो वीडियोज़ के तो ऐसा ही करके यार उन्होंने ये नहीं बताया था कि सिर्फ बी जावा में ही काम करता है तो यार मैं आपको बता दूं कि ये जो अगर आप शिल्कर क्राफ्ट की वीडियोस देखते हो ये वाला ट्यूटोरियल स्पेशली ये वाला तो वो सिर्फ जावा में ही काम करेगा देन गाइज उस मैटर को चलो छोड़ देते हैं मैंने अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया और उसको बनाने के बाद ये जो हमने होल्स बनाए थे इसमें हमको वाटर फ्लो डाल देना मतलब वाटर को डाल देना है देन गैस आपको पूरे एरिया को फार्म लैंड में कन्वर्ट कर देना है देन आपको जो भी चीज़ें चाहिए चीज़े, जैसे कि आपको आ, आ, वीट चाहिए आपको कैरेट चाहिए आपको पोटैटो चाहिए आपको बीट रूट चाहिए तो उसी तरीके से आपको इसको पूरे में ग्रो कर देना होगा आपको आप फ्लोर्स भी बना सकते हो अगर आप जावा में हो तो अगर आप बीटा में या फिर आप पॉकेट एडिशन में हो ना भाई तो मैं आपको बता ही रहा हूँ आपको तो ये ये वाला ट्यूटोरियल काम ही नहीं करेगा आपका मतलब अगर आप शुल्कर से देखोगे तो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको तो मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो तो वो वीडियो को एंड में बताता हूँ लेट्स गो गाइज कोई बात नहीं फटाफट से करते हैं डन बाद आपको क्या करना है मैंने शलकर बॉक्स है शल्कर बॉक्स तो उसको निकाल लेने के बाद यहाँ पर रख लेना है देन इससे निकालना हमको कंपोस्टर और कंपोस्टर को ये जो आप बीच वाला जो बिल्कुल होल देख रहे हो जिसमें हमने वाटर फ्लो रखा है इसके जस्ट ऊपर कंपोस्टर रखना है एंड देन कंपोस्टर के जस्ट ऊपर कोई भी लाइट लाइट सोर्स वाला ब्लॉक रखना है जैसे कि इस रूम लाइट रख सकते हो लैंटेन रख सकते हो मैंने ग्लोस्टोन डस्ट रखा है सॉरी ग्लोस्टोन तो आप ग्लो स्टोन भी रख सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो भाई ये काम हो जाने के बाद आपको ग्लोस्टोन के जस्ट ऊपर वाले ब्लॉक पर तीन बिल्डिंग ब्लॉक बाहर की तरफ एक्सटेंड कुछ इस तरीके से ये किस लिए इस बाहर वाले ब्लॉक के जस्ट नीचे हमारा बेड आएगा जहां पर हमारा विलेजर सोएगा तो उसके लिए छत भी हो जाएगी समझ रहे हो ना वो बारिश में भीग ना जाए पता नहीं इसका क्या लॉजिक है भाई शुरू के आफ्ट वीडियो देख के बना रहा हूँ मुझे नहीं पता कोई बात नहीं आप देख लो मेरा ट्यूटोरियल सो सुखाई इसके बाद मैंने बेड भी रख ही दिया देख सकते हो और अगर मैं मैं आपको एक एडवांटेज देना चाहता हूँ अपनी वीडियो से ये कि ये अगर मैं बना रहा हूँ तो हर किसी के वर्जन में शायद नहीं काम कर मैंने अपने वर्जन का तो जुगाड़ निकाल दिया पॉकेट एडिशन का चिंता मतलब पॉकेट एडिशन में भी ये काम करेगा जो मैं बनाने वाला हूँ अभी और ये जो आप देख सकते होल्स हैं तो इन पे आपको कारपेट्स रख देना है और अगर आप जावा में खेलते हो तो आप शुल्कर क्राफ्ट का वीडियो बिना कुछ सोचे समझे देख सकते हो देन वाइज आपको क्या करना आपको फिर से वही एक होपर होपर कनेक्ट करना चारों तरफ से किसी में भी और फिर होपर के जस्ट ऊपर आपको कुछ इस तरीके से होपर विद माइंड कार्ट रख देनी है एंड देन इसके नीचे वाली रेल को ब्रेक कर देना और ये स्कैम हो गया कोई बात नहीं फटाफट से इसको दो लेर शिल्क्राफ्ट निका था दो लेयर तक रखना देखते अब क्या होने वाला क्या नहीं क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा कि एक और डिसएडवांटेज हमारे साथ होती क्या है देख सकते हो जो जावा वर्जन वाले प्लेयर्स है अगर वो बाई चांस कुछ ट्यूटोरियल देते हैं और हमारे वीटा में काम नहीं करते और तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है तो प्लीज Uh, अगर आप शुल्का क्राफ्ट ये वीडियो देख रहे हो फिर आपको आपके पास कैसे ना कैसे वीडियो चलेगी तो आप प्लीज़ मेंशन करना कि ये जावा में ही काम करते हैं फिर ये बीटा में पॉकेट एडिशन में काम करता है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सो so गाइज ये काम हो जाने के बाद आपको जस्ट आपको जो भी कुछ भी आपको चाहिए जैसे कि मेरे को वीट चाहिए तो मैं देख सकती हूँ मैं वीट ग्रो कर रहा हूँ और अगर आपको बीट रूट चाहिए तो वो भी ग्रो कर सकते हो पोटैटो कैरेट्स कुछ भी देन गाइज इसका काम हो जाने के बाद ये देख सकते कुछ इस तरीके का हमारा सब कुछ दिखाई दे रहा है एंड मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया है तो यार अब देखो जहाँ तक था विलेजर्स को लेकर आने का मैं विलेजर्स को भी लेकर आ चुका हूँ शायद ये फ्लैचर वाला आइडिया ना काम करे मेरे को तो लगता नहीं ये काम करेगा जो कि फ्लेचर वाला उन्होंने दिखाया था कि फ्लैचर से ऐसे ट्रेडिंग करेगा शायद ये काम नहीं करेगा कोई बात नहीं हमने बना दिया लेकिन मैं इसका जुगाड़ निकालूंगा फटाफट से तो वो भी दिखाऊंगा आपको कैसे तो वो दिखाने के लिए मैं आपको सीधा फिर मैं बिल्ड के बाद ही समझाऊंगा कि मैंने बनाया क्या तो चलो फटाफट से इसको फ्लैचर को इसकी जगह पर डाल देते जहाँ पर उन्होंने वीडियो में दिखाया था इसको हमने एक एरिया बना देना एक अलग से रूम जहाँ पर हम इसको डालने वाले हैं वन बाय वन का ब्लॉक एरिया ताकि ये ना निकल पाए और इससे ट्रेडिंग और जो ट्रेडिंग होगी इसके जस्ट सामने ऊपर विद माइन काट होगी जो कि अगर ये फार्मर है अगर ये ट्रेड करेगा इससे तो जो ट्रेडिंग में क्या करते हैं ऐसे ट्रेड नहीं करते जैसे कि हम एमरेल्ड सो ये सब करते हैं ये सीधा चीज़ों को फेंक देते हैं ड्रॉप कर देते हैं और फिर वो दूसरा वि, विलेजर इनको उठा लेता है इनको कलेक्ट कर लेता है तो इनकी ट्रेडिंग ऐसे चलती है तो इस वाले फ्लैचर के सामने हमने क्या करा है होपर विद माइन कार्ड रखे है तो अगर बाय चांस फार्मर अगर आपके वर्जन में कुछ काम कर गया और उसने सामान इसके सामने कुछ ड्रॉप करा तो वो माइन कार्ट विद होप्पर कलेक्ट कर लेगा और आपके चेस्ट में चला जाएगा तो ये बहुत कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म काम करता है दो विलेजर्स का मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया तो चलो फटाफट फड़ से इनको है ना डालते हैं फटाफट फड़ से इनकी लोकेशन पर फिर दिखाता हूँ आपको इनकी लोकेशन लेट्स गो देन गाइस देख सकते हो यहाँ पर फार्मर आ चुका और इससे देख सकते हो काम पे तो लग गया अपने फार्मर जो कि हमें चाहिए था और यहाँ पर हमारा एक फ्लेचर चाचा है देख सकते हो यहाँ पर रूम है छोटा सा और यहाँ यहीं से हमने कलेक्टिंग सिस्टम भी कनेक्ट कर दिया है तो चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ मैं करने क्या वाला हूँ तो गाइज मैं करने क्या वाला हूँ अगर बाई चांस ये काम नहीं करता मेरे वाले वर्जन में तो मैं इसके नीचे ना एक माइन कार्ट वाला सिस्टम ऐड कर दूंगा माइन काट विध ओपर जो कि इसके पूरे नीचे में घूमती रहेगी इस पूरे एरिया के फार्म के नीचे और वो कलेक्ट करती रहेगी फार्मर जैसे ही कुछ तोड़ेगा तो माइन कार्ट विद ओपर में कलेक्ट हो जाएगा और हमारी चेस्ट में आ जाएगी तो गाइज यही था सिंपल मैकेनिज्म आपको समझाने का तो मैं दिखा देता तो हूँ मैं मैं एक घंटा ए एफ के हुआ हूँ अभी तो एक घंटा ए एफ के के बाद ए एफ के के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कितना कलेक्ट हुआ और वही मैंने ऊपर और माइन कार्ट वाला सिस्टम ही ऐड करा है तो आपको मैं जस्ट दिखाऊँगा देख सकते हो ये चेस्टों के पीछे ही वो सारा सिस्टम है ऊपर विद माइन कार्ट वाला अगर आपके फा अगर आपके वर जो वर्जन है उसमें काम नहीं करता तो आप क्या करो आपको जस्ट जितना भी डायगोनली पूरा एरिया ना फार्म का उसके जस्ट नीचे आपको होपर विद माइन कार्ड को ऐड कर देना है ताकि वो पूरे में से घूमती रहे और कलेक्ट करती रही वेट तो आपने देख ही लिया कि मेरी चेस्ट में कितना ज़्यादा वेट कलेक्ट हो गया तो चलो गैस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और भी इंटरेस्टिंग मैन क्राफ्ट की वीडियोज देखने के लिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में टिल दैन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हा गाइस अगर आप शुल्क क्राफ्ट के फ़ैन हो तो स्पैम मत करना मैं भी उसका फ़ैन हूँ और मैं भी उसको ट्यूटोरियल्स खुद देखता हूँ बस मैं आपको एक नोट देना चाहता था लेट्स गो